आज जिस तरह से मनीष सिसोदिया जी के मामले में निर्णय आया है अदालत का, ये बहुत हैरान करने वाला है कि एक ही मामले में 8 लोगों को अब तक जमानत मिल चुकी है और 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको जेल गए बगैर जमानत मिल गई, यानी उनकी गिरफ्तारी भी नहीं मिली हुई और जमानत हो गई। बावजूद इसके मनीष सिसोदिया जी को जमानत नहीं दी गई। यह पूरा निर्णय इस बात का संकेत है कि जिस प्रकार से दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने मोदी और अडानी के रिश्तों को उजागर किया, उनके घोटालों को उजागर किया, देश में हो रही उनकी लूट को उजागर किया, ऐसा लगता है कि अभी और बाधाएं डाली जाएंगी, मनीष सिसोदिया जी को और सत्येन जैन जी को जबरन जेल में रखा जाएगा। नरेंद्र मोदी जी पूरी कोशिश और ताकत करेंगे, ताकत लगाएंगे कि मनीष सिसोदिया जी को और सत्येन जैन जी को जेल में रखा जाए। यह मामला देश को बचाने का है। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की विधानसभा में एक एक करके सिलसिलेवार खुलासा किया मोदी और अडानी के रिश्ते और घोटालों का, हैरान करने वाला है, चौंकाने वाला है कि सारे संसाधनों की लूट और विदेशों में भी जाकर तमाम ठेके दिलवाने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अडानी के लिए क्यों करते हैं? क्योंकि सारा का सारा पैसा और सारे के सारे घोटाले के लिए जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इस फैसले से हम लोग पूरी तरह से असहमत हैं और इस फैसले के खिलाफ हम हाई कोर्ट में जाएंगे। अदालतों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन अदालतों के फैसले से सहमति और असहमति का अधिकार भी देश का संविधान हमें देता है। तो ये जो फैसला है, इसको कोई भी देखेगा या सुनेगा, बिल्कुल साफ तौर पे लग रहा है कि ये फैसला जो आया है, जिसमें 8 लोगों को जमानत मिली, अकेले मनीष सिसोदिया जी की जमानत रोक दी गई, 2 लोगों को बगैर गिरफ्तार किए जमानत दी गई, अकेले मनीष सिसोदिया की जमानत रोक दी गई, ये साफ संकेत है कि अभी और पूरी ताकत लगाकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत की सरकार मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखेगी। इसके खिलाफ हम लोग हाई कोर्ट में जाएंगे।